हेलो एवरीवन, कुक विद आकांक्षा स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम क्रंची एंड टेस्टी स्नैक्स रेसिपी बनाने वाली हूँ, सूजी कटलेट। तो चलिए बिना देरी के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। कढ़ाई में 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो गया है तो 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे चला लेंगे। जीरा चटकने लगा है तो 1 कप पानी इसमें डालेंगे और इसे 1 बॉयल आने देंगे। तो 1 बॉयल आ गया है तो इसमें 1/2 कप बारीक सूजी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही लगातार चलाएंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटा वाला सूजी है, तो आप उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते जाएंगे। तो देखिए सूजी हमारा फूलने लगा है, इस तरीके से लगातार चलाएंगे। तो सूजी को ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई कर देते हैं तो कटलेट बनाते समय क्रैक आ जाएंगे। तो बस इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हल्का ठंडा होने तक छोड़ देंगे। जब ये हल्का ही गर्म हो, इसमें 1/2 कप बेसन ऐड करेंगे, 1/2 कप चावल का आटा ऐड करेंगे और इसे पैचुला की सहायता से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है तो इसमें 1/4 कप चॉप्ड धनिया पत्ता ऐड करेंगे, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, 1/4 कप बॉयल मटर ऐड करेंगे, 1 ग्रीन चिल्ली को मैंने चॉप्ड कर ली थी, इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो डो हमारे रेडी है। तो थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसे रोल करेंगे। मैंने रोल कर लिया है, इसे नाइफ की सहायता से अपने हिसाब से आप कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो एक शेप को इस तरीके से रोल करेंगे, इस तरीके से दबा देंगे। ये सिलेंडर के शेप में मेरा रेडी हो गया है। इसी तरीके से देखिए इजी वे में इसी तरीके से सेकेंड वाले भी कर लेंगे। इस तरीके से सभी को रोल कर लेंगे। सूजी कटलेट रेडी है। आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी ही फ्राई करूँगी। तो चलिए चलते हैं फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। सारे कटलेट को इसमें डालते जाएंगे। जैसे समोसा फ्राई करते हैं ना, सेम वैसे ही फ्राई कर लेना है। और इसे अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है ये।
तो आज की ये सूजी कबाब रोल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग रखिए ढेर सारा ख्याल, मेरी रेसिपी को देखते रहें। टेक केयर, बाय।